हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। ये इनर देख रहे हैं आप, ये हमने घर पर बनाया है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। ये हमने कुकर में बनाया है। आपके पास अगर इनर बनाने वाला साँचा ना हो तो आप उसे कुकर में भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको हमारी रेसिपी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है। यहाँ पर देखिए, हमने दूध लिया है जो गाय बच्चे देने के बाद पहले दिन पर दूध देते हैं, वो वाला दूध लिया है। ये हमने यहाँ पर भैंस का लिया है। आप गाय और भैंस दोनों में से किसी का भी दूध का ये इनर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये गुड़ लिया है। आप चाहे तो इसमें इसकी जगह पर शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। एकदम ये हम हेल्दी बना रहे, इसलिए हमने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। इसमें हम थोड़ा सा एक छोटा चम्मच सॉल्ट लिया है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने बड़ा वाला कद्दूकस करने वाला लिया है, इसी को मैं गुड़ को कद्दूकस कर लूँगी। इसी में अगर आप चाहे तो इसे तोड़ करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस करके एकदम पेस्ट की तरह बना लिया है इसको। हमने बहुत कम ही गुड़ यूज़ किया है। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये ने जो गुड़ लिया है हमने, उसे हम ये दूध में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से घोल लेंगे। हम यहाँ पर बीटर के सहारे से अच्छी तरीके से धीरे धीरे घोल लेंगे। अगर आप चाहें तो चम्मच के सहारे से भी इसे घोल सकते हैं। देखिए, अभी हमारा दूध और गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें सोल्ट डाल दूँगी और इसे भी हम थोड़ी देर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं ये थोड़ा सा डाल दूँगी इलायची पाउडर, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और वो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे भी हम मिला लेंगे। अभी ये मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे उस बैटर को दूध वाले। तो यहाँ पर मैंने ये घी से इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ हम पहले ग्रीस कर लेंगे। अभी मेरा ये दूध का जो बैटर बना के रखा था मैंने, इसमें मैं पलटी मार दूँगी। अभी यहाँ पर मैंने ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया है कुकर में। इसे हम ढक्कन बंद करके अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे थोड़ी देर। ये डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स। आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिया है, उसे पिस्ता करके डाला है कद्दूकस करके बिल्कुल। यहाँ पर मैंने ये सिल्वर पेपर लिया है, उसे हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से एकदम साइज़ में काट करके इसे चारों तरफ से सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे और ये अपने आप ही देखिए चिपक गया है। देखिए, मेरा पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हमने इसके ऊपर एक कटोरा रखा है। देखिए, हमने ये बैटर को अच्छी तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। ये मैं बिना कुकर की सीटी के इसे ढक्कन को बंद कर दूंगी और इसे हम हाई फ्लेम पर 25 मिनट तक पकने देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, अभी हमारा अच्छी तरीके से पक कर के तैयार हुआ है कि नहीं वो देखेंगे। अभी हमें 20 मिनट हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर नाइफ डाल करके देखूंगी कि ये अच्छी तरीके से पका है कि नहीं। देखिए, अभी मैंने नाइफ डाला है। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा भी बैटर आ नहीं रहा है, लेकिन मैं इसे 5 मिनट के लिए और कड़क होने के लिए थोड़ा देर पकने दूंगी। देखिए, अभी मेरा 25 मिनट पूरा हो चुका है अच्छी तरीके से और ये मैं अभी आपस से नाइफ डाल करके देखूंगी। देखिए, अभी ये थोड़ा भी चिपक नहीं रहा है हमारा बैटर, तो अभी मैं इसे निकाल दूंगी। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। देखिए, अभी मेरा इनर ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे साइड साइड से देखिए खुद पे कुछ छोड़ भी दिया है। अभी मैं नाइफ से एकदम बीच में से काट दूंगी और इसे हम स्क्वायर के शेप में अच्छी तरीके से काट लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में काट सकते हैं। अभी मैंने चारों तरफ से काट लिया। इसे देखिए मैं निकाल करके दिखा रही हूँ। ये हम ऐसे ही सारे के सारे निकाल लेंगे पीसेस। ये देखिए कितने आराम से ये निकल जा रहा है। देखिए, अभी हमारा इनर बन करके तैयार हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम नरम, एकदम कापूस की तरह। तो अगर आपको हमारी ये इनर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमने इनर की एक और रेसिपी भी बनाई है, आपको जो भी पसंद हो आप उसे बना करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।